नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का आई के जी के स्मार्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम कंप्यूटर के टॉप 20 बेसिक क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके कंप्यूटर के पेपर की नज़र से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इन क्वेश्चन को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो वीडियो को एंड तक देखें, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपको लिखना 2 दिसंबर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, देश की पहली क्षेत्रीय भाषा कौन सी है जिसका कीबोर्ड उसकी अपनी भाषा में है? तो इसका सही आंसर होगा तमिल। देश की पहली क्षेत्रीय भाषा है जिसका कीबोर्ड स्वयं उसी की अपनी खुद की भाषा में है, तो इसका सही आंसर होगा तमिल। तमिल भाषा में कीबोर्ड बनाया गया था, यह देश की पहली क्षेत्रीय भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, Y2K की समस्या से प्रभावित विश्व का एकमात्र देश कौन सा था? तो इसका सही आंसर होगा जामिया। जामिया Y2K की समस्या से प्रभावित एकमात्र ऐसा देश था जो कि Y2K की समस्या से प्रभावित था, आपको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला, देश का पहला राज्य कौन सा है जिसके सभी विकास खंडों को कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश विश्व का देश का पहला ऐसा राज्य है जिसके सभी विकास खंडों को कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ दिया गया था, आपको याद रखना है ये आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, इंटरनेट से जुड़ने वाला पहला हिंदू तीर्थ स्थल कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा वैष्णो देवी, जो कि जम्मू कश्मीर में है, जिसे इंटरनेट से जोड़ने वाला पहला हिंदू तीर्थ स्थल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, भारत में खोजे गए पहले कंप्यूटर वायरस का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ब्रेन, जो कि भारत में खोजा गया पहला कंप्यूटर वायरस था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा पुणे में। जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय बम्बई में है, ऐसे ही इसका मुख्यालय पूछा है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा पुणे में। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, विश्व की प्रथम महिला कंप्यूटर प्रोग्राम का श्रेय किसको जाता है? तो इसका सही आंसर होगा एडा ऑगस्टा अमेरिका, जो कि एक महिला है जिसका नाम एडा ऑगस्टा है, वह अमेरिका रहती हैं। विश्व की पहली महिला कंप्यूटर प्रोग्राम का श्रेय उसको जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा अभिकलित्र अथवा संगणक, जो भी कंप्यूटर का हिंदी नाम है। अगर आपसे कोई पूछता है कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, तो आप आसानी से बता सकते हो अभिकलित्र अथवा संगणक, या आप संगणक भी बता सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा चार्ल्स बेबेज, जिन्होंने कंप्यूटर का विकास किया था, जिन्होंने कंप्यूटर बनाया था, उन्हीं के बारे में पूछा है कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, तो आप आसानी से बता सकते हो चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ENIAC। ENIAC विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर होगा सिद्धार्थ, जो कि भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पहला कंप्यूटर किस कंपनी ने बनाया था? तो इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि भारत में पहला कंप्यूटर कंपनी ने बनाया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कंप्यूटर में प्रयुक्त तो होने वाला IC चिप्स किसका बना होता है? तो इसका सही आंसर होगा सिलिकॉन। सिलिकॉन का जो कंप्यूटर चिप जो उपयोग होता है कंप्यूटर में, वह सिलिकॉन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी से रिलेटेड, भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? जो कि सिलिकॉन वैली जो बनाती है, वह भारत की कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा बेंगलोर। बेंगलोर में भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है, आपको याद रखना है ये क्वेश्चन से, जो कि हर पेपर में ये सबसे पहले पूछा जाता है, CPU का पूरा नाम क्या है? तो आपको ये याद रखना है, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट CPU का पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, कंप्यूटर कंपनी का IBM का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन।
जो कि कंप्यूटर की आईबीएम का पूरा नाम है, या आप कह सकते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या है आईबीएम की, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। लगभग क्या है, इसका सही आंसर होगा कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस जिसे लगभग के नाम से भी जाना जाता है, लगभग एक कंप्यूटर वायरस है, आपको याद रखना है। यह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, यांत्रिक संगणक का, संगणक पास्कल का आविष्कार किसने किया? संगणक यानी कि कंप्यूटर, यांत्रिक कंप्यूटर पास्कल का आविष्कार किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा ब्लेज पास्कल ने। ब्लेज पास्कल ने यांत्रिक कंप्यूटर पास्कल का आविष्कार किया था, आपको यह याद रखना काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर व्यवसाय के शिखर पुरुष बिल गेट्स का नाम किस कंपनी से जोड़ा गया? तो इसका सही आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से जोड़ा गया था बिल गेट्स का नाम। अगला क्वेश्चन देखिए, नासकॉम जिसे आप NASSCOM कह सकते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, इसकी राइट फुल फॉर्म हो जाएगी। आप बोल सकते हैं NASSCOM, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो आपको सीधा सा आंसर बताना है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा डाटा को उपयोग बनाना, डाटा को उपयोगी बनाना डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे तेज कंप्यूटर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सुपर कंप्यूटर। 5 टाइप के कंप्यूटर होते हैं, याद रखना है, और सबसे बड़ा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर ही होता है, सबसे तेज कंप्यूटर भी सुपर कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, कंप्यूटर सक्षारकता का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना, जो कि कंप्यूटर सक्षारकता का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा इन्फॉर्मेशन की परिवर्तित करता है डाटा, जो कि कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा इन्फॉर्मेशन की परिवर्तित करता है, तो इसका राइट आंसर होगा डाटा को। आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।